गए। अल्लाह सुनिया मोमन कौन ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। फरमाया मोमना दी सिफत देवे वो नमाज़ां अंदर खुशू पैदा कर देने खुशू पैदा कर इन्हीं किया के मोमन नमाज पढ़ते नहीं जनिया किया बल्कि फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। मोमन वो लोग ने जेडे नमाज अंदर खुशू पैदा करते ने नमाज पढ़ते नहीं ते डर के पढ़ते ने नमाज पढ़ते नहीं ते आजजी दे नाल पढ़ते ने नमाज पढ़ते नहीं ते तवज्जो नमाज अंदर रखते ने नमाज पढ़ते नहीं ते गौर नमाज विच रखते ने नमाज पढ़ते नहीं ते ध्यान अपना नमाज विच रखते ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा ये हाल नहीं नमाज भी पढ़ ली ते दारी भी खुरक ली नमाज भी पढ़ ली ते सिर भी खुरक लिया नमाज भी पढ़ ली ते मुछा नू वट भी दे दिता नमाज भी पढ़ ली ते नक नुक भी साफ कर लिया। इंज दी नमाज का कोई फायदा नहीं इंज दी नमाज का कई बंदे नमाज ही इंज पढ़ते बस कारी साहब लगे ने पढ़ाई जाते ने पिछे इस मामले हैं पिछे इस नमाज जो कुछ पढ़ाई जाए असं मगर लगे हाँ वो सजदा करता असं भी सजदा करने। मैंने एक बंदे ने गल सुनाई कह लगा एक बाबा जी नमाज पढ़न पै तो नमाज पढ़द्या पढ़द्या उन्हें मारी छाड़ते छाड़ मार के कारी साहब के मुसले दे फिर वापस नमाज मुक्की बंदा पूछा बाबा खैर हो तू नमाज ही आपू छटापू खेलन लग पे तू नमाज ही छाल मार के कारी साहब का मुसला मान लिया खैर। उन्हें आख्या यार गल भी मैं नमाज पढ़ता पिया सा तो नमाज के मैं ना मेरा ध्यान मुरब्बे चला गया मुरब्बे तो मैं नमाज पढ़द्या पढ़द्या मुरब्बे बन्ने बन्ने टुरिया जाता सो बन्ने बन्ने टुरिया जाता तो अगे आ गया खाला तो जदों मैं खाला टप्पिया ना तो अगे कारी साहब आ गए ना मैनू उदो पता लगा भी मैं तो मुरब्बे नहीं मैं तो मसीते हाँ तो मेरे अगे खाला नहीं मेरे अगे कारी साहब ए साडिया नमाजा ए साडिया नमाजा का हाल है ना भाई ना नमाज अंदर तवज्जो करिया कर नमाज गौर नाल पढ़िया कर सैयदना हजरत इमामे अली यानी हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम अली बिन हुसैन बिन अली जिन्होंने बीमारे करबला कहते हैं की कहते हैं बीमारे करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्ला अलैह वो जो नमाज वापते वुजू करया करदे सन नमाज नहीं सिर्फ वुजू जो नमाज वापते वुजू करया करदे सन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे जिस्म दा रंग बदल जांदा सी चेहरे दा रंग फक हो जांदा पर जो नमाज वापती अल्लाह दे हुज़ूर खड़े हो जांदे जिस्म डरन लग जांदा जिस्म ते कप कपी तारी हो जांदी इत्थे दफा 30 दे मजस्टर हेठ दे अगे असीं खड़ा होना हुंदा है ओहदे आदाब सानू वकील काले कोट वाला सिखांदा है शोखी टोपी सिर ते नहीं लैके जानी बामा अड़ोंग के ते टोंग के नहीं जानियां अपने जनाब गिरबान नू खोल के नहीं जाना जज साहब दे सामने फोन नहीं चलाना जज साहब दियां अखां चखां पा के गल नहीं करनी क्यों तू जज साहब दे सामने खड़ा हुंदा पिया है ओ कायनात दे लोग इत्थे दफा 30 दे मजिस्ट्रेट दे सामने खलोण दा अदब ते सानू आंदा है लेकिन अपने रब दे सामने खलोण दा अदब सानू नहीं आंदा रब दे सामने खड़े हां जिस्म खुरकी जाने हां रब दे सामने खड़े हां खुजलियां कीती जाने हां अल्लाह दे सामने खड़े हां दाढ़ी नूं साफ कीती जाने हां। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्ला अलैह जदों नमाज पढ़न वास्ते खड़े हो जांदे सन जिस्म कंबण लग जांदा सी पुछण वालिआं पुछिआ इमाम जी दी वजह क्या है फरमांदे ने मैनूं डर लगन लग जांदा है कि मैं किड्डी वड्डी जात दे सामने खड़ा हुंदा पिया हां।